नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 25 तारीख पर यानी कि 25 मई को दिल्ली में होने वाली है लोकसभा की लिए वोटिंग, और उससे पहले अब चुनाव प्रचार में आ चुकी है तेजी। जहां एक तरफ कांग्रेस के ही प्रत्याशी को उत्तरी पूर्वी दिल्ली में जो है वो कुछ लोगों ने पीट दिया कि किस तरीके से 2016 में कन्हैया कुमार ने लिखी थी नारेबाजी, तो वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जो है वो काफी ज्यादा जनता के बीच में उतर कर उन्होंने आज फिर एक बार अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस और पूरे विपक्ष के ऊपर बोला है हमला। जी हाँ, आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ बांसुरी स्वराज गर्जी अरविंद केजरीवाल और पूरे विपक्ष के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी तमाम मुद्दों को लेकर आज विपक्ष और आम आदमी पार्टी को घेरा है। जी हाँ, आज जो है वो पुष्कर धामी इन दिनों दिल्ली में काफी ज्यादा चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले ही दिनों जो है वो पुष्कर धामी ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली के बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए जो है वो चुनाव प्रचार किया था, और अब वो नजर आए बांसुरी स्वराज के साथ, और बांसुरी स्वराज के लिए चुनाव प्रचार करने वाले यानी कि कर रहे, और अब अपनों के बीच में आई हूं तो एक दर्द आपके साथ बांट के जाना चाहती हूं। आप सबने देखा है कि स्वाति मालीवाल जी के साथ क्या हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने ही ऑफिशियल आवास पे अपनी मौजूदगी में अपनी महिला सांसद को बचा नहीं पाए। उन्हीं के सचिव ने स्वाति मालीवाल जी के साथ दुर्व्यवहार करा, अभद्रता करी, उनको पीटा, उन्हें पीटा। अरे अगर केजरीवाल जी आपके आवास पे आपके ही सचिव से आप अपनी ही महिला सांसद को नहीं बचा सकते, तो हम दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा आप क्या करोगे? चौथा दिन हो गया ना, आज चौथा दिन हो गया, चौथा या पांचवा दिन हो गया। अरे चुप्पी साधी हुई है, वोट सीए हुए हैं मुख्यमंत्री जी ने, एक शब्द नहीं कहा। 41 घंटे के बाद माननीय संजय सिंह जी ने आके बता दिया, पुष्टि करी कि हाँ वाकिया ऐसा हुआ है, लेकिन ना तो कुछ बोले ना कोई कार्रवाई करी। आप जानते हो अभियुक्त को लिए लिए घूम रहे हैं लखनऊ। मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप निंदा भी नहीं कर रहे, कड़ी कार्रवाई करने की तो नियत आपकी दिखती नहीं है। ऐसा लगता है आप तो अभियुक्त को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के आवास पे 2018 में भी इन्हीं के विधायक ने तब के चीफ सेक्रेटरी पर भी हाथ उठाया था। ये कैसी सरकार चला रहे हैं जहां ना अफसर सुरक्षित है ना महिला सांसद सुरक्षित है। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, चुप्पी साधे हुए, मौन साधे हुए। गठबंधन का धर्म निभाते निभाते राजधर्म और राष्ट्र धर्म की बलि चढ़ा दी कांग्रेस ने, और ये पहली बार नहीं है। संदेश खाली में जो मेरी माताओं और बहनों के साथ हुआ तब भी ये चुप थे। अरे जब सनातन संस्कृति पर इंडिया अलायंस के नेता बोल रहे थे तब भी ये चुप थे। आपको याद है सनातन संस्कृति की तुलना इन्होंने एड्स जैसी बीमारी के साथ करी थी, आपको याद है ना? ये क्या कह रहे थे कि सनातन संस्कृति की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे भारत से। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं, एक हफ्ता है बस, अगले शनिवार पे आपका वोट होगा जवाब विपक्ष की एक एक चोट का। ये 2024 का संसद का चुनाव महिला विरोधी विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने का चुनाव है। ये 2024 का चुनाव उन लोगों को जवाब देने का चुनाव है जो कन्हैया जैसे लोगों को टिकट देते हैं, जो मेरे देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। ये 2024 का चुनाव उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का चुनाव है जो आज भी धर्म जाति के नाम पर एक बार फिर मेरे देश का बंटवारा करने पे तुले हुए हैं। ये 2024 का चुनाव
सनातनी सिपाहियों का चुनाव है, ये 2024 का चुनाव विकसित भारत का चुनाव है, ये 2024 का चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ बनाने का चुनाव है। पुष्कर धामी ने आज तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि मैं आज जब उत्तराखंड से दिल्ली आया हूं तो मैंने देखा कि किस तरीके से यमुना की हालत जो है वो बद से बदतर जो है वो दिल्ली में हो गई है। जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हम यमुना को चमकाएंगे, पर उन्होंने तो पूरी तरीके से दिल्ली का बंटाधार कर दिया है। जहां एक तरफ यमुना की स्थिति को लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल पार्टी को लेकर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो दिल्ली में जो है वो 300 से ज्यादा नए स्कूल बनाएंगे, पर अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की शिक्षा का ध्यान ना रखते हुए उन्हीं स्कूल के आसपास शराब के ठेके जरूर खुलवा दिए। एक तरफ शराब घोटाले को लेकर पुष्कर धामी की तरफ से ये बड़ा हमला जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर बोला गया। अगर किसी को सांस लग जाए, बाहर जाना है, तो अंधेरे का इंतजार करते थे। अनेक ऐसे ऐसे काम, अभी उत्तराखंड में मैं आया हूं, लेकिन दिल्ली में मैं देख रहा हूं, यहां प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मकान दे दिए। हमने भी 55 लाख लोगों के कार्ड बना दिए देवभूमि उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना के, और 5 लाख रुपए तक की जो गारंटी मोदी जी ने हर एक व्यक्ति के लिए दी है, वो योजना भी दिल्ली में लागू नहीं हो पा रही है। ऐसी अनेक योजनाएं मैं देख रहा हूं। अभी हवाई जहाज से मैं जा रहा था, अभी देखता हूं यमुना जी, जिसको मैं कल ही यमुनोत्री से आया, बांसुरी बहन, और क्या निर्मल पानी, जैसे हमारी बहन निर्मल है ना, जब बोल रही थी आपने देखा होगा कितनी निर्मलता से बात करी, कितना बिल्कुल स्वच्छ तरीके से बात करी, कोई मिलावट नहीं। उसी प्रकार से जब हम यमुना जी यमुनोत्री से निकलती है ना, तो बिल्कुल निर्मल ऐसा पानी दिखेगा कि बिल्कुल साफ, कहीं रख देंगे तो एक कोने से दूसरे कोने तक क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार का। लेकिन दिल्ली पहुंचते हैं, कैसा यहाँ चैम्बर बना दिया, कैसा यहाँ प्रदूषण डाल दिया, वो पीना तो छोड़िए, वो सींचने के काम का भी पानी नहीं रह गया, इस प्रकार से प्रदूषित करने का काम दिल्ली को किया है। ऐसे अनेक काम जो होने चाहिए थे, केजरीवाल जी को बड़ी उम्मीदों से यहाँ की जनता ने उनको सत्ता सौंपी थी, जिस अन्ना हजारे के आंदोलन से, जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ये पैदा हुए, आज कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के मामले में ये आगे निकल गए हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर हम स्कूल बनाएंगे, 500 स्कूल नए खोलेंगे। आप बताइए, 500 स्कूल तो खोले नहीं, उल्टे स्कूलों के चारों तरफ हमारे बच्चों को एक गलत दिशा देने के लिए, उनके मन मस्तिष्क को खराब करने के लिए शराब के अड्डे खोल दिए, और उन्हीं शराब के घोटाले में केजरीवाल जी समेत उनकी पूरी पार्टी के उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, तमाम नेता आज जेल की चिक्की पीस चुके हैं। भाइयों बहनों, है ये तो आए थे झाड़ू लेके कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, इन्होंने तो जनता की जो गाड़ी कमाई है उसी पर झाड़ू लगा दिया है भाइयों बहनों। तो साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरीके से आज देश में जो है वो दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि महिलाओं, बहनों, किसानों, युवाओं के लिए काम करना और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ है महागठबंधन यानी कि विपक्षी पार्टियां, जिनके लिए सिर्फ मैं आगे और मेरा परिवार आगे, यही बड़ी बात जो है वो विपक्ष गठबंधन को लेकर आज पुष्कर धामी की तरफ से ये बड़ा हमला बोला गया। जहां एक तरफ उन्होंने पूरे गठबंधन को लेकर ये बात कही है कि सिर्फ परिवारवाद पर जो है वो पूरा गठबंधन चल रहा है, तो इसी के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर ये कहा है कि किस तरीके से जब मैं पंजाब गया तो या पंजाब में यही दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हमलावर है, पर इन्हीं दोनों पार्टियों को
आप देश की राजधानी दिल्ली में देखो तो किस तरीके से एक साथ मिलकर जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्योंकि देखिए ये चुनाव प्रचार जो है वो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के लिए पुष्कर धामी करने के लिए आज दिल्ली आए हैं, और वहीं उन्होंने सुषमा स्वराज की बेटी यानी कि बांसुरी स्वराज को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर नई दिल्ली की जनता बांसुरी स्वराज को इस बार मौका देगी और लगातार बीजेपी का बटन दबाया जाता है तो 4 जून को मैं बांसुरी स्वराज को 11 बजे ही बधाई दे दूंगा, क्योंकि वो जीत की पात्र हैं। क्योंकि चाहे गर्मी कितनी भी पड़े, क्योंकि मुकाबला अब आप पार्टी कांग्रेस पार्टी से या घमंडिया गठबंधन के लोगों से नहीं है। मुकाबला जानते हैं किससे? मुकाबला है आपका ये जो धूप पड़ रही है तेज, लोग छुट्टियों में जाना चाहते हैं। देखिए आपका एक दिन का कष्ट जरूर होगा, आपको 6 दिन जो है लोगों से कहना जरूर पड़ेगा, लेकिन ये 6 दिन और एक दिन आपको जो आप मतदान करने के लिए जाएंगे ये पूरे 5 साल का भविष्य बनाने वाला है। देश का 5 साल का भविष्य निर्धारण होने वाला है, बच्चों का भविष्य तय करने वाला है, ये विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है, भारत को समृद्ध बनाने का संकल्प, भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का ये संकल्प पूरा करने के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारी बहन बांसुरी को आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि 25 मई को प्रातःकाल 7 बजे शुरू होगी वोटिंग, 8 बजे 7 बजे से शुरू होगी, तो कोशिश करिए उस दिन के देखिए हम कोई अच्छा काम करते हैं, कन्यादान करते हैं, कोई सत्यनारायण की कथा करते हैं, कोई हवन करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो क्या करते हैं बड़े शुद्ध होके स्नान करके पूजा पाठ करके सब अपना अनुष्ठान पूरा करते हैं या यज्ञ पूरा करते हैं, तो ये लोकतंत्र का महायज्ञ है। इस लोकतंत्र के महायज्ञ में आप सब लोगों ने पहले मतदान करना है और मतदान करने के बाद फिर जलपान करना है। प्रातःकाल से कमल वाला जो बटन है वो पहले नंबर पर जो कमल वाला बटन है उसको आपने कितनी बार दबाना है, आप तो एक ही बार दबाओगे लेकिन लोगों से बार बार दबवाना है, बार बार दबवाएंगे ना। अरे भाई इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं, दबवाएंगे तो हाथ उठा के बोलिए दबवाएंगे सब लोग। मेरी माताएं बहनें ज्यादा जो उसमें है हमारी मातृशक्ति, आप इतना दबा दीजिए इतना दबा दीजिए कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद हो तो बटन फिर अंदर ही चला जाए और 4 जून को जब ईवीएम निकले यानी कि जिस दिन रिजल्ट निकल रहा होगा मैं बांसुरी को 11 बजे ही बधाई दे दूंगा, ठीक है। तो यही मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग यहां से ऐतिहासिक मतों से बांसुरी को बनाए। वो एक पेशे से एडवोकेट भी हैं और अगर एडवोकेट वो होंगी और यहाँ की जनता अगर उन्हें चुनकर भेजती है तो एक लोकसभा सांसद होने के नाते वो दिल्ली की जनता महिलाओं की आवाज जो है वो लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट में उठाएंगी, जिससे कि दिल्ली को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और दिल्ली की जनता के साथ न्याय होगा। देखिए एक तरफ जो है वो पुष्कर धामी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार यानी कि जिनके लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है बांसुरी स्वराज, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए लाई गई योजनाओं का उल्लेख किया और बताया कि किस तरीके से आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जिसमें दिल्ली की महिलाओं के लिए अगर मोदी सरकार कुछ करना भी चाहे तो किस तरीके से तमाम चीजों यानी कि जो स्कीम्स केंद्र सरकार की उन्हें दिल्ली में लागू नहीं किया गया है, चाहे फिर वो आयुष्मान कार्ड हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लाई गई काफी ऐसी योजना है जो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लागू नहीं होने दी है, जिससे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता का ही नुकसान जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक तरफ जो है वो भारतीय जनता
गया। पार्टी के नेता लगातार चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल को एक तरफ शराब घोटाले तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जो कमियां हैं, दिल्ली में किस तरीके से पानी नहीं आता है या फिर बिजली के बिल भी भड़कर आ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए जनता के बीच जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार तानाशाही के ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज की ही एक खबर है कि किस तरीके से कांग्रेस के उत्तरी पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी कन्हैया कुमार की सवेरे किस तरीके से पिटाई हो गई, जिसके बाद काफी ज्यादा हल्ला हंगामा इसको लेकर भी हो रहा है। खैर, ये पहली बार नहीं है कि जब कन्हैया कुमार के साथ इस तरीके की चीजें हुई हैं, क्योंकि जब से उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे या फिर अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए समर्थन में प्रोटेस्ट किया 2016 में, आज भी वो दिल्ली की जनता जो है वो नहीं भूल पाई है कि किस कदर नफरत फैलाने वाले बयान कन्हैया कुमार ने सिर्फ 2016 ही नहीं बल्कि 2020 और उससे पहले जब CAA देश में लाया गया था उस समय पर भी दिए गए थे। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। स्वयं जाइए, अपने परिवारों को साथ लेके जाइए, अपने पड़ोसियों को साथ लेके जाइए, अपनी कीर्तन मंडलियों को साथ लेके जाइए, दोस्तों को साथ लेके जाइए, मैं कहती हूँ दुश्मनों को भी साथ लेके जाइए, लेकिन जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनिए। ये जो मेरा निवेदन है, ये जो मेरा आग्रह है, ये अपने राजनैतिक सुख या सत्ता के मोह के लिए नहीं है, बल्कि उस युग पुरुष के लिए मांग रही हूं जिन्होंने मात्र एक दशक में भारत का कायाकल्प कर दिया, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारा है। याद है ना, कांग्रेस के कार्यकाल में गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ खाली एक चुनावी जुमला बनकर रह गया था, पर अगर वाकई किसी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारा है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। मेरी माताएं और बहनें यहां खड़ी हैं, मां तुम्हें याद होगा 2014 से पहले इस देश में बेटी पैदा होना जुर्म था, पता चल जाए कि गर्भ में बिटिया है तो बच्चा गिरा देते थे, कहीं गलती से पैदा हो जाए तो जिंदा दूध में डुबो के मार देते, नहीं तो जिंदा ही दफना देते थे। पर 2014 में आए नरेंद्र मोदी और परिवार के बड़े की तरह, अरे ऐसे नहीं कहते हम कि हमें मोदी का परिवार, मुखिया की तरह सुदली भारत की बेटियों की ओर लेकर आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप जान तो पहली बार, आजादी से पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों के नंबर में थोड़ी ठीक ठाक हुई है, जेंडर सेक्स रेशो थोड़ी ठीक ठाक हुई है भारत में। मोदी जी ने साबित कर दिया कि भारत में भारत की बेटियों का उतना ही अधिकार है जितना कि भारत के बेटों का। और हाँ, हम सब कहते हैं भाई चूल्हे की रोटी का स्वाद बड़ा गजब होता है ना, कहते हैं ना, बिल्कुल टेस्ट बड़ा गजब होता है, पर वो टेस्ट के चक्कर में मेरी माताओं बहनों के फेफड़े झुलस जाते हैं, पहले जाती है, हाँ हंस रहे हो आप, बात तो सही है, आप भी जान तो सही कह रही हूँ, पहले जाते हैं लकड़ी बीन के आते हैं, सिर पे गठरी लेकर आते हैं, 20 से 25 मिनट लगता है वो चूल्हा सुलगाने में। देखो मेरी बहन वहां पे हाँ कह रही है, बिल्कुल सही कह रही हूँ, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देके अगर धुएं की जिंदगी से किसी ने निजात दी मेरी देश की मातृशक्ति को, तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी जी जो कहते हैं ना वो करते हैं, अरे वचन पूर्ति की पराकाष्ठा का नाम है नरेंद्र मोदी। धारा 370 हटाई, जो कहा वो CAA लेकर आए, जो कहा वो 33% आरक्षण लेकर आए, स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर जो कहा वो किया। और हाँ अजी, 500 साल की प्रतीक्षा के बाद पहली रामनवमी थी जो मेरे राम लला ने प्राण प्रतिष्ठित होकर भव्य राम मंदिर में बिताई है। जो कहा वो किया। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो विकास भी देते हैं और विरासत भी देते हैं। विकास, करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोला,
विकास। अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर्स का जब क्राइसिस आया तो 125,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर नरेंद्र मोदी उद्घाटित कर चुके हैं और आने वाले 5 सालों में भारत ग्लोबल लीडर बनने वाला है सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में। विरासत, 3 स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अफगानिस्तान से वापस लेकर आए तालिबान के चंगुल से। और विकास, कोविड के वक्त एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन यानी टीके बनवाकर एक एक भारतीय को मुफ्त दिया। विरासत, मेरे छोटे साहबजादों की शहादत कहीं इतिहास के पन्नों में खो ना जाए, इसके लिए वीर बाल दिवस घोषित करा और इस साल वीर बाल दिवस 113 दूतावासों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। विकास, केवल 91,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी 2014 से पहले, 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें अब बनी हैं मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में। विरासत, महाकाल का डेवलपमेंट करा, काशी विश्वेश्वर का डेवलपमेंट करा। विकास, अरे चंद्रयान 3 से भारत पहला ऐसा देश बना पूरे के पूरे विश्व में जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाकर तिरंगा लहराया है। बाकी पार्टियों का होता है मैनिफेस्टो, हमारा होता है संकल्प पत्र, वो भी विकसित भारत का संकल्प पत्र। क्योंकि मोदी है तो अजी, मोदी है तो बिल्कुल, एक बार जो ठान ली तो करके दिखाते हैं। और आने वाले 5 सालों में मोदी जी ने ठानी है परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। इस मंत्र को आत्मसात कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ भारत प्रगति की पथ पर अग्रसर होगा। आने वाले 5 सालों में पीएम सूर्य घर आ रहा है, हम सबके घर पर सोलर पैनल लगेंगे, सूर्य नारायण की ऊर्जा से मुफ्त बिजली बनेगी। पर आप जानते हैं मुफ्त बिजली से भी बेहतर क्या है? अजी, बिजली जो मुफ्त आप इस्तेमाल करो, बची हुई बिजली सरकार को बेचो, 15,000 से 20,000 रुपया महीने का कमाओ। और हाँ, कई इलेक्ट्रिक गाड़ी या स्कूटर ले ली तो उसी मुफ्त बिजली से अपने वाहन को आप चार्ज करो, पेट्रोल और डीजल का खर्चा होगा 0। आने वाले 5 सालों में नमो ड्रोन दीदी भी आ रहा है जिसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। मेरी माताएं और बहनों का कितना बड़ा रोल रहता है कृषि के कार्यों में गांवों में, आप जानते हैं, दूध दोने से चारा डालने तक, फसल काटने से। और अब हम अपने बहु बेटियों के हाथ में देंगे ड्रोन, वो बनेंगी ड्रोन पायलट। अजी, आप भी जानते हो, बहुरानी अगर ड्रोन पायलट बन गई तो ननद और सास के उल्हाने थोड़े कम पड़ेंगे। देखो आपकी हंसी बता रही है कि आप सहमत हो मेरे से, पर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहे हैं, ना केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, ना केवल कृषि कार्यों को मॉडर्नाइज करने के लिए, बल्कि आप समाज की सोच में भी तब्दीली ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने वाला है और इसीलिए 25 मई कौन सी तारीख, 25 मई को जाके क्या करना है? कमल के फूल का बटन दबाना है। अब आपसे एक अपील भी करूंगी, और परिवार में आई हूं, छोटी हूं, तो इसलिए अपना दर्द भी आपके साथ साझा कर जाऊंगी। पहले अपील करती हूं, अरे भाई खाली हाथ थोड़ी आऊंगी कुछ मांगने के लिए। छोटे जब बड़ों के यहां आते हैं तो कुछ ना कुछ उनके चरणों में अर्पित करते हैं। मैं भी लाई हूं वचनों का गुलदस्ता लाई हूं। पहला वचन, यदि जिताकर भेजते हैं तो आपकी संसद के